हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और इस वीडियो में हम करने वाले हैं जनवरी एडिशन कुरुक्षेत्र का। ये वीडियो आप तक लेकर आया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए, आपको ये स्क्रीन में दो चीज़ें दिख रही होंगी। एक कुरुक्षेत्र जिसका टॉपिक है एम्पावरिंग रूरल वीमेन, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को किस तरह से एम्पावर करना चाहिए, और योजना में सेम टॉपिक दिख रहा है हमको वीमेन एम्पावरमेंट। इसमें पूरे वीमेन एम्पावरमेंट में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं और रूरल जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं होती हैं उनको कैसे एम्पावर करना चाहिए, एजुकेशन का क्या रोल है और जो हेल्थ प्रोविज़न है वो सब इसमें डिस्कस किए गए हैं। पूरा इसमें जो अगर योजना में डिस्कशन आपको किसी को देखना है तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा कि कंटिन्यूम ऑफ केयर में कैसे, जो वीमेन की एक पूरी लाइफ साइकिल होती है, कहने का मतलब जो एडोलसेंट एज से एडल्ट एज तक पूरा जो हेल्थ, कितनी न्यूट्रिशन लेवल पे देना चाहिए, क्या क्या न्यूट्रिशन देना चाहिए, अंडर न्यूट्रिशन का क्या कॉन्सेप्ट है, इस पूरे में डिस्कस किया गया है। आगे उसके बाद इसमें देखने को मिलता है इस पूरे उसमें कि कैसे जो वीमेन है फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे बढ़ाना चाहिए, वीमेन को जो फाइनेंशियली अगर बात करें इकोनॉमिक अपलिपमेंट कैसे करना चाहिए, ये पूरा हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो पूरे कुरुक्षेत्र में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी जो महिलाएं होती हैं उनमें एजुकेशन का क्या रोल है, हेल्थ का क्या रोल है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस शुरू करने से पहले आप सबको बता दें, हमारे UPPCS के बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स के पेड ग्रुप देखने को मिलते हैं आपको। मेंस का आप पेड ग्रुप ले सकते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेड ग्रुप आप ले सकते हैं इस नंबर पर मैसेज करके 7838692618। बहुत बार क्या होता है वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम जो ग्रुप का लिंक आप ले सकते हैं और हमारे से जुड़ सकते हैं। आपको देखिए वर्क फोर्स में क्या है, वीमेन का पार्टिसिपेशन क्या है, ये देखने को मिलेगा। कुछ न्यूमेरिकल डाटा आप सबको मिल जाते हैं। उसके बाद हम देखने को मिलता है कि देखिए, ये पहले ही कवर कर चुके हैं, ये तो हम बता चुके हैं, और वीमेन की सेफ्टी के लिए हैं क्या क्या फेस करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, यूनियन बजट में क्या क्या चीज़ें हैं, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो डिस्कशन हम शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, वीमेन एज ए पार्ट ऑफ रूरल वर्कफोर्स। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में कितना जो वीमेन्स होती हैं वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट करती हैं, चाहे वो किसी भी जगह काम कर रही हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे कोई फैक्ट्री हो, छोटी एंटरप्राइजेज हो, वहाँ पर कैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं काम करती हैं उस पे पूरा डिपेंड आर्टिकल है। देखिए, ये पूरा अगर मैं बात करूँ इस पूरे कुरुक्षेत्र के जो है वीमेन से रिलेटेड है, तो वीमेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है जनरल स्टडीज़ पेपर 1 या पेपर 3 या पेपर 2 में, एथिक्स में भी पूछा जाता है, तो आप इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पॉइंट। तो ये जो आर्टिकल है हमने दो बेसिस पे इसको डिवाइड किया है। सबसे पहला है व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ वीमेन वर्कफोर्स इन रूरल इंडिया। ग्रामीण जो देश है हमारा भारत, उसमें कितनी जो प्रतिशत महिलाएं हैं वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट करती हैं, कितना जगह काम करते हैं, अगर ब्रॉडली ये समझा जाए तो। उसके बाद है व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ रूरल वीमेन एट वर्क। जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती हैं उनको क्या क्या काम करने में दिक्कतें आती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है व्हाट इज़ द स्टेटस, कुछ न्यूमेरिकल डाटा के साथ और जो पिछला कोई किसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के साथ हम इस पूरे इंट्रोडक्शन को, या आप कह सकते हैं डिस्कशन को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखें आर्टिकल में, सबसे पहले एक न्यूमेरिकल डाटा दिया गया है प्रतिशत के फॉर्म में। तो जो रूरल वर्किंग वीमेन होती है, ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं वर्क करती हैं, अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो 81.29% फीमेल वर्किंग फोर्स में पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे एग्जांपल मैं करूं, अगर पूरे इंडिया में, पूरे देश में बोलूँ कि कौन सी महिलाएँ कितना पार्टिसिपेशन करती हैं, तो उसमें से जो रूरल ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ होती हैं 81.29% की जो उनकी वर्कफोर्स में कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। इसके अलावा देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती हैं, आर्टिकल कहता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती हैं उनको उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांसमेंट है वो नहीं मिलता है। फिर भी वो, अगर बात करूँ भारत की पूरे वर्किंग जितने फोर्स है, फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है वो 81.29% है। इसके बावजूद सिर्फ ऑफर किसको, टेक्नोलॉजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांसमेंट किसको मिल रहा है, अर्बन की, फिर भी कौन ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं। तो कह सकते हैं रूरल इंडिया में वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन ज़्यादा है।
और बहुत ज़्यादा ऐसा तो होता है, अनरिपोर्टेड भी रहता है कि उनको डाटा में मेंशन नहीं किया जाता है। अब उसके बाद अगर क्वांटिटी बेसिस पर देखें, रूरल वीमेन जो वर्कर्स होती हैं 121 मिलियन होती हैं, अगर उसी को अर्बन शहरी क्षेत्र के मेल से कंपेयर करें तो वहाँ सिर्फ 105.5 मिलियन हैं। तो फिर भी हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनका जो फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा है। उसके बाद हम देखते हैं जेंडर इक्वलिटी के बेसिस पे। देखिए जेंडर इक्वलिटी का सिनारियो बहुत ज़्यादा अगर प्रेजेंट की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोग जोर दे रहे हैं इस पे कि जो महिलाएं हैं और जो आदमी हैं, मैन और वीमेन हैं, उनको इक्वल वेजेस तो मिलने ही चाहिए और इक्वल उनको रिस्पेक्ट, इक्वल सोसाइटी में उनके सेम काम के लिए सेम पैसे भी, वेजेस भी मिलने चाहिए। तो उसके बेसिस में देखें तो रूरल लेबर कंप्राइज विथ फीमेल लेबर फोर्स 48.6% और मेल लेबर फोर्स कितना है 51.4%। देखिए उतना ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। देखिए फीमेल कितनी है 48% और मेल वर्क फोर्स कितनी है 51, तो जेंडर इक्वलिटी भी इससे प्रमोट हो रही है ये देखने को हमें मिलता है। आगे देखें रूरल वीमेन जो हैं 228 मिलियन हैं, आउट नंबर हैं रूरल मैन कितने हैं, अगर मैन की बेसिस पे देखूं वो है मार्जिनल वर्क सीकर्स जो काम लेते हैं वो कितने हैं, रूरल वीमेन की न्यूमेरिकल डाटा कितना है 228 मिलियन और इसका 153 मिलियन 153 मिलियन। तो ये कुछ हमने न्यूमेरिकल डाटा डिस्कस कर लिया है पूरा कि किस तरह से आप इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे या वर्कफोर्स की अगर हम बात करते हैं स्टेटस की तो आप क्या क्या मेंशन करेंगे। आगे देखते हैं चैलेंजेस क्या क्या आते हैं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को अगर वो काम करती हैं। देखिए बहुत ज़्यादा फेमिनाइजेशन बढ़ रहा है ग्लोबल फार्मिंग के लिए। फेमिनाइजेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फीमेल पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो वीमेन कल्टिवेटर हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर खेती एग्रीकल्चर की मैं बात करूं तो वीमेन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, बट खेती करने में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में वो बढ़ रही हैं, बट उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं क्या उनको मिल पा रहे हैं। अभी भी बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं, लैंड के टुकड़े हैं, हम कहें कि उनके वाइफ उनके हस्बैंड के नेम पर रजिस्टर्ड हैं, अभी मैन उतना ज़्यादा उनको उतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं देता, जो उनके हस्बैंड होते हैं उनको इतना फ्रीडम नहीं देते। बकायदा अगर हम ये देखें कि फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में वीमेन बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं, उसके बावजूद भी उन पे जो लैंड का रजिस्ट्रेशन है वो मैन के बेसिस पे किया जाता है। तो ये सबसे पहली प्रॉब्लम है। उसके बाद जो वीमेंस को है उतनी ज़्यादा उतनी जल्दी क्रेडिट नहीं मिल पाता, सीड्स नहीं मिलते हैं, फर्टिलाइजर के नहीं मिलते हैं, क्योंकि देखिए क्रेडिट उनके पास महिलाओं को डिपेंड रहना पड़ता है मैन पे कि क्रेडिट उनको मिले, उनके पास पैसे दिए जाएं। अभी बहुत सारी भारत सरकार की जो जैसे मुद्रा योजना ले लीजिए, एंटरप्राइजेस के बेसिस पे अगर कोई फैक्ट्री सेटअप करना चाहती हैं तो महिलाओं को दिया जा रहा है, तो बट अभी भी ग्लोबल फार्मिंग इंडस्ट्रीज में उनको पास क्रेडिट नहीं होता है। उसके बाद हम देखें तो महिलाओं के पास क्रेडिट नहीं होगा, कैपिटल नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है क्या है, वो एक्सेस नहीं कर पाएंगी उतना अपना जितना पार्टिसिपेशन दे सकती हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में वो नहीं देती हैं। तो इससे क्या होता है, टू डिपेंडेंट चिल्ड्रन स्कम्बल्ड रूरल वीमेन टू वीसीएस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। अब क्या होता है, देखिए उनके पास कैपिटल नहीं है, उसके साथ साथ वीमेन को सिर्फ फार्मिंग ही नहीं करनी पड़ती है, उसके साथ साथ अपने हाउस होल्ड को भी चलाना पड़ता है और फैमिली को भी चलाना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, उतने ज़्यादा रिसोर्सेज महिलाओं को नहीं दिए जाते हैं अगर वो कोई काम भी कर रही हैं, तो ये दूसरा चैलेंजेस हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ मैं बात करूं, वीमेन सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, उसके साथ साथ उनको फैमिली अभी हमने डिस्कस कर लिया, तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं और इससे उनको माल नरिशमेंट या माल नरिश्ड झेलना पड़ता है। कहने का मतलब जितनी ग्रोथ के लिए उनको न्यूट्रिशन चाहिए होता है, पोषण मिलना चाहिए, वो इन कामों के वजह से नहीं मिल पाता। आपका उदाहरण देना चाहूँगा, एग्जाम्पल देना चाहूँगा आसाम का। आसाम में बहुत सारी प्रेग्नेंट महिलाएँ भी क्या होती हैं, जो टी के खेतों में वहाँ चाय बागान होते हैं, तो प्रेग्नेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम में भी वो चाय के बगानों पे जाती हैं, वहाँ पर काम करती हैं, तो माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। उसके बाद देखें अगर माल न्यूट्रिशन फेस करना पड़ेगा तो चौथा पॉइंट इसी से कनेक्टेड है कि उनकी जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती हैं हेल्थ पे, बहुत ज़्यादा हेल्थ उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है इस वजह से, क्योंकि इम्यूनिटी नहीं दी जाती है, तो एडवर्सली इफेक्ट करता है ये वर्क पार्टिसिपेशन, चाहे वो टेम्प्ररी है परमानेंटली है, और डिजीजे सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करती हैं। तो कभी कभी तो ऐसा होता है वो 3 हफ्ते तक 1-2 महीने तक जा ही नहीं पाती
पाती हैं काम पे। तो उसके बाद दूसरा चैलेंजेस क्या है, अब देखिए फिजिकल लेबर के साथ साथ देखिए बोथ द ऑप्शन ऑफ एंड बीइंग इन फिजिकल लेबर परक्लूड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ वीमेन टू इंगेज इन फर्दर एजुकेशन। अब देखिए ऐसा देखने को मिलता है कि जो बहुत सारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो सोचती हैं कि हाँ हमें तो फिजिकल लेबर ही करना है, हमको एग्रीकल्चर खेती ही करनी है, तो बहुत सारी ऐसे फैमिली में ये माइंडसेट बन जाता है कि उनको एजुकेशन नहीं दिलवानी चाहिए, तो एजुकेशन से वंचित हो जाती हैं इस वजह से भी। आगे बहुत सारे जो क्षेत्रों में देखा जाता है कि वहाँ प्रेफर किया जाता है कि वीमेन के बदले जो हैं मैन जो हैं आदमी हैं वो काम करें, क्योंकि मस्कुलाइन हेजिमनी अगर हम देखें तो ज़्यादा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं अभी माइंडसेट ऐसा बना गया है कि हाँ अगर ये काम है तो इवन ये तो देखो फिजिकल के बेसिस पर अगर हम देखें कि जो फिजिकल काम होता है उस बेसिस पर तो सही है, बट कभी कभी जो ऑफिशियल वर्क भी होता है उसमें भी प्रेफरेंस दी जाती है हमारे मैन को। ठीक है, आगे देखा जाता है कि जो बहुत सारी महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है और रूरल वीमेन जो हैं अनस्किल्ड हैं, तो इस वजह से क्या होता है एक चैलेंजेस देखने को मिलता है कि फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन भी कम हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे कुछ चैलेंजेस हैं फिजिकल हार्डशिप के साथ साथ। देखिए फिजिकल काम तो उनको करना ही पड़ता है, उसके साथ साथ वीमेन का एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनके साथ इल ट्रीटमेंट किया जाता है, वर्बल अब्यूज़ होता है, बहुत सारे बाद सेक्सुअल हरेसमेंट भी होता है। हालांकि उसके लिए भारत सरकार SHE बॉक्स चला रही है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चला रही है, आगे हम देखेंगे कि वीमेन के लिए भारत सरकार क्या क्या प्रोग्राम चला रही है। तो इसके साथ साथ हम चैलेंजेस पढ़ रहे थे कि फिजिकल हार्डशिप के साथ उनको इल ट्रीटमेंट झेलना पड़ता है, वर्बल अब्यूज़ झेलना पड़ता है और बहुत सारे फिजिकल वायलेंस हैं, ठीक है, झेलना पड़ता है, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं उनको वो केस को रिपोर्ट भी नहीं करती हैं। आगे जो फैमिली का जो पुराना पैटार्की अगर माइंडसेट हम देखें उसमें ये बोला जाता है कि वीमेन कोई भी काम करेंगी या अभी के बेसिस पे भी प्रेजेंट सिनेरियो के बेसिस पे भी वीमेन जो काम कर रही है उनको उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है एज़ कम्पेयर्ड टू मैन। तो वही काम अगर सेम काम आदमी या मैन कर रहा है किसी फैमिली के लिए तो उसको और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, बट वही काम अगर कोई महिला कर रही है तो उसको रोका जाता है। एक तो वो कमा के दे रही है, अर्निंग कर रही है, उसको रोका जाता है, उसके साथ साथ उसकी वैल्यू को भी जो उसका काम है उसको वैल्यू नहीं दी जाती। ठीक है, अब देखने को मिलता है इसके साथ साथ महिलाएँ जो भी अगर पब्लिक फोरम में आवाज़ उठाती हैं उसको भी दबा दिया जाता है। तो एक तरह से ये सब चैलेंजेस हमारी महिलाओं को, हमारी जो भारतीय महिलाएं हैं चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं चाहे शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं, उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आगे हम देखते हैं हेल्थ ऑफ रूरल वीमेन। देखिए इससे पहले बहुत सारे हम डिस्कस कर चुके हैं वीमेन रिलेटेड पूरे आर्टिकल, जिसमें कि आपके पास कुछ हम अभी दो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए एक तो कुरुक्षेत्र का जो आप एडिशन देख रहे हैं एक तो वही देख लेना, उसके साथ साथ अक्टूबर माह का योजना का भी देना क्योंकि वो भी वीमेन रिलेटेड है। इससे पहले हम जो टॉपिक है स्टार्ट कर रहे थे ये डिस्कशन उसमें मैं बता चुका हूँ, तो ये ऑलरेडी कवर है कि रूरल वीमेन की हेल्थ पे ऑलरेडी कवर्ड इन योजना इन कुरुक्षेत्र मैगजीन इन डिटेल, जो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, आप देखिए मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे रहा हूँ, ये है अक्टूबर योजना डिस्कशन जो कि स्टडी, और देखिए इस योजना का भी पूरा कुरुक्षेत्र का सेम आर्टिकल है पूरा, इसका टॉपिक भी है वीमेन एम्पावरमेंट। इसमें ये पहले 17 नवंबर को ही हमने अपलोड कर चुके थे, अब है ये जनवरी चल रहा है तो पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 2 विमेन सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी, जो महिलाओं की सेफ्टी है सुरक्षा है वो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है, व्हाट आर द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंश्योर विमेन सेफ्टी। भारत सरकार कौन कौन से जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए या विमेन सेफ्टी के लिए क्या क्या इंटरवेंशन ला रही है, उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द सिक्योरिटी इश्यू टू डू विमेन फेस, कौन कौन से सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं जो विमेन फेस करती है। अभी हमने चैलेंजेस देखे कि विमेन अगर काम करना चाहे तो उसके साथ साथ क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, पूरे प्रॉब्लम हम कर चुके हैं, आप मेंस में डायरेक्ट ऑप्शन लिख सकते हो। तो ये आर्टिकल हम डिस्कशन करते हैं, सबसे पहला है कौन कौन सी व्हाट आर द सिक्योरिटी इश्यू डू विमेन फेस। सबसे पहले अगर हम देखें
कि बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं उनको ट्रैफिकिंग किया जाता है, किसके लिए, सेक्स टूरिज्म के लिए। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है, ये सिर्फ भारत में ही नहीं, यूरोपीय देशियन यूरोप के देश जो होते हैं और अमेरिका में भी ये चीज़ें चल रही हैं। तो सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है महिलाओं को, जो सेक्स टूरिज्म एक सबसे बड़ा कंसर्न है। उसके साथ साथ उनको बहुत सारे जो सेक्सुअल हरेसमेंट हैं, रेप हो गया, फेस इंटीमेट पार्टनर वॉयलेंस उनका करता है। तो ये देखने को मिलता है कि जो इवन पार्टनर्स भी हैं उनके साथ साथ जो फीमेल का जो है वॉयलेंस देखा जाता है। और इसमें देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा लैग द एजेंसी टू डिटरमिनाइज सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव चॉइसेस, ऑनर किलिंग अमंग अदर्स, यहाँ पर देखने को पूरा देखने को मिलता है। पूरी विमेन के साथ ये बहुत सारी जो ओवर्ट एंड लेटेंट वायलेंस हैं वो सब फेस करती हैं महिलाएं। तो सबसे पहला यही सिक्योरिटी इश्यू है जो फेस करती हैं महिलाएं। उसके साथ साथ देखने को मिलता है कि जो ये चीज़ें हो रही हैं महिलाओं के साथ, भारतीय महिलाएं या कोई भी किसी भी देश में जो महिलाएं हैं, वो सिर्फ एक लीगल क्राइम नहीं है, वो ये भी है कि उनका जो ह्यूमन राइट है, जो अधिकार है, मानव अधिकार है, वो भी वॉयलेशन देखने को मिलता है उसमें। अब क्या है, ये चीज़ें होगी तो लीगल क्राइम की तरह तो ये रजिस्टर किया ही जाएगा। उसके साथ साथ जो बेसिक एक हम देखें किसी मानव का अधिकार होना चाहिए कि फ्रीडम उसको मिलनी चाहिए, उसके साथ कोई भी अगर उसकी कॉन्सेंट नहीं है उस पर्टिकुलर विमेन की, तो कुछ भी उसके साथ नहीं हो सकता। तो ये एक ह्यूमन राइट, मानव अधिकार का भी वॉयलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि भारत सरकार ने, देखिए अभी हमने इतने ज़्यादा चैलेंजेस वर्क के बेसिस पे देखे, इतने ज़्यादा चैलेंजेस जो हैं हमने विमेन से देखे कि सेक्स टूरिज्म में बहुत ज़्यादा कंसर्न देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें विमेन फेस करती है, वॉयलेंस सेक्सुअल हेरेसमेंट फेस करती है। तो भारत सरकार क्या कर रही है इसके लिए, भारत सरकार क्या कर रही है, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे फ्रेम हो सकता है। तो 19 फरवरी 2015, देखिए 19 फरवरी 2015 को एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है जिसकी कॉस्ट है 69.49 करोड़, जो कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में 1 अप्रैल 2015 से। अब ये क्या है, इसमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ विमेन इस पूरी स्कीम का नाम है। इसमें क्या है, इस पूरी स्कीम में इतना ज़्यादा जो प्रोजेक्ट कॉस्ट इतनी ज़्यादा इम्प्लीमेंट की गई, इसमें क्या किया जाएगा, पूरे 24 घंटे जो हैं, चाहे इमरजेंसी है चाहे नॉन इमरजेंसी है, विमेन को सेफ्टी दी जाएगी, चाहे वो पब्लिक प्लेसेस में उसके साथ वायलेंस हो रहा, चाहे प्राइवेट जो है स्पेयर में उनके साथ वायलेंस हो रहा। इसके साथ साथ पब्लिक और प्राइवेट वर्कफोर्स में या ऑफिसेज में तो ये जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके साथ साथ अगर किसी महिला के साथ उनके परिवार में, फैमिली में, आप कह सकते हैं कम्युनिटी में और वर्क प्लेस में ऐसा कुछ होता है, सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, सेक्सुअल या वर्बल अब्यूज़ होते हैं, चाहे वो इमरजेंसी हो नॉन इमरजेंसी हो, तो उनको ये चीज़ हेल्प मिलेगी किस स्कीम के अंतर्गत, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ विमेन। ठीक है, तो ये कब स्टार्ट की गई थी, 19 फरवरी 2015, ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर देखें मोबाइल फोन्स में, दूसरा भारत सरकार लाती है पैनिक बटन। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ये भी कहती है कि फिजिकल पैनिक बटन से जो है बहुत ज़्यादा सुपीरियर है जो मोबाइल ऐप में ये पैनिक बटन है। देखिए फिजिकल पैनिक बटन आप एक तरह से ये सोच सकते हैं कि हाँ कोई विमेन सपोज एक नुकीली चीज़ पकड़ी है, फिजिकल पैनिक बटन उसे कह देंगे, तो उससे अच्छा, सबसे अच्छा विमेन की सेफ्टी के लिए मोबाइल में पैनिक बटन होना चाहिए। अब ये क्या करेगा, मोबाइल में पैनिक बटन, एक एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज किसी महिला के साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ होता है, सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, तो उनके फ़ोन में GPS होता है, आजकल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिससे कि आप अपने गूगल मैप करते हैं, तो विमेन के फ़ोन में क्या होगा, वो ऐप होगी, एप्लीकेशन होगी पैनिक बटन करके। तो उसमें क्या होगा कि जो भी विमेन है, सिंपल सी बात है, कोई भी विमेन अगर ऐसा होता है तो उनके पास हार्डली बहुत कम समय होता है, तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट अगर वो पैनिक बटन को प्रेस करती हैं तो तुरंत मैसेज चले जाएगा, एक तो उस पर्सन के फैमिली जो भी रजिस्टर करेंगे उस एप्लीकेशन में जिसका नाम, और दूसरा पुलिस स्टेशन में वो चीज़ें चले जाएंगी, जिससे कि हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं ऐसे फिजिकल और सेक्सुअल असॉल्ट को। तो पैनिक बटन आप दूसरा याद रख लीजिएगा जो कि भारत सरकार ने स्टार्ट किया था। इससे पहले कौन सा है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वीमेन पहला, दूसरा क्या है, पैनिक बटन। ठीक है,
तीसरी चीज करें महिला पुलिस वॉलेंटियर। अब ये क्या करती है, इनकरेज करती है। देखिए बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट और बहुत ज़्यादा जो वायलेंस होता है, बट फिर भी वो क्या करती हैं, अपने कंप्लेंट को मेंशन नहीं करती हैं पुलिस स्टेशन में। अब महिला पुलिस वॉलेंटियर ये ऐसा कदम लेकर आई है जिसमें इनकरेज किया जाता है ऐसी महिलाओं के साथ जिनके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है कि आप अपनी जो है रिपोर्ट रजिस्टर करवाइए। तो इसमें चाहे वो विलेज लेवल पे है, चाहे रूरल एरियाज़ में है, चाहे अर्बन एरियाज़ में, ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा वातावरण बनाया जाएगा जिसमें कि विमेन बहुत ज़्यादा सेफ करें, इवन रजिस्टर करने में भी, अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करने में भी वो सेफ़ रहें और उनको इनकरेज किया जाएगा बार बार। अब इसमें कौन कौन हेल्प करेंगी, देखिए ऐसी जो गर्ल्स हैं जिनकी एज 21 है और एटलीस्ट जो 12th पास हैं, तो उनको सेलेक्ट किया जाएगा और बोला जाएगा कि आप अवेयरनेस फैलाइए, आप जागरूकता फैलाइए इसके प्रति कि आप बहुत सारी जो महिलाओं के साथ जो हरेसमेंट होते हैं आप वो चीज़ें कंप्लेंट को रजिस्टर करवाइए। तो तीसरा जो सॉल्यूशन है कि भारत सरकार क्या कर रही है वो है महिला पुलिस वॉलंटियर। इतने ज़्यादा हम सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं तो आशा करते हैं कि आप अपना मेंस का आंसर बहुत अच्छी तरह लिखेंगे। उसके बाद यूनियन कैबिनेट, केंद्र की कैबिनेट अप्रूव करती है रिजर्वेशन, आरक्षण करती है 33% महिलाओं के लिए, ठीक है। वो SC ST OBC और बहुत सारी दूसरी कैटेगरी की भी होती हैं जिसमें कि जो कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर तक, देखिए पुलिस में, ठीक है, किसमें, पुलिस फोर्सेस में भी रिजर्वेशन मिल रहा है महिलाओं को। तो ये सबसे अच्छी बात है कि महिलाओं का अपलिपमेंट हो रहा है, उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व हैं। अब देखिए महिलाएं अगर पुलिस फोर्स में जाएंगी तो एक तरह से ये एक मोरल भी बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है दूसरी महिलाओं का जो पुलिस फोर्स में नहीं भी हैं, कि हाँ हमारी बहुत सारी ऐसी जो मित्र हैं या आप कह सकते हैं कि महिलाओं, एक दूसरी महिलाओं को देखकर ये देखेंगे कि बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं वो इवन कंप्लेंट भी रजिस्टर करवाएंगी इसके चलते हुए, कि बहुत सारी देखेंगी कि हाँ बहुत सारी पुलिस फोर्स में तो महिलाएँ हैं, हमारी जैसी महिलाएँ हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये माइंडसेट, ये चेंजेस देखने को हमें मिल सकते हैं। तो बहुत अच्छा स्टेप है कि पुलिस फोर्सेज में आरक्षण दिया जा रहा है महिलाओं को 33%, या कह सकते हैं रिजर्वेशन दिया जा रहा है 33% फॉर वेमेन, ठीक है। उसके बाद देखा जाता है कि कैबिनेट ये भी बोलता है कि रिक्रूटमेंट रूल्स भी बहुत ज़्यादा बदले जाने चाहिए, फेवर में होने चाहिए महिलाओं के, क्योंकि क्या होता है कभी भी होम टाउन में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती है, परिवार होते हैं जो महिलाओं को अलाउ नहीं करते हैं कि आप हमारे टाउन से, सिटी से दूर कहीं पर आपको जो है जॉब मिले, या आप पुलिस फोर्स में भी हैं तो हमारे टाउन में रह गए। तो फेवर किया जाता है महिलाओं को, ये बोला जाता है कि हाँ आप जिस टाउन से बिलोंग करते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपको कोशिश की जाएगी कि आपको उसी डिस्ट्रिक्ट में रखा जाए, ठीक है, ताकि वो सेफ़ हैं और फैमिली से भी ज़्यादा प्रेशर ना हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो इस वजह से अपनी जॉब छोड़ देती हैं कि उनको अपनी जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। उसके बाद फिफ्थ, अगर हम सॉल्यूशन देखें, सी बॉक्स, ये तो बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, हर एक जब भी वीमेन से रिलेटेड पॉइंट आता है तो सी बॉक्स हम बहुत बार देख चुके हैं। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पर अभी हमने कहा कि बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, ऑफिशियली विजिट करके बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है उनको चैलेंज कि हाँ वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करा सकती। बट क्या होता है, अब बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं जैसे सी बॉक्स है, इसमें किसी भी महिला के साथ सपोज प्राइवेट प्लेस में या पब्लिक प्लेस में, कोई भी वर्क प्लेस हो, अगर वहाँ पर उनके साथ कोई भी ऐसी सेक्सुअल हरेसमेंट होता है तो वो ऑनलाइन अपने कंप्लेन, ये इसको रजिस्टर कराएंगी, रजिस्टर कर सकती हैं अपनी कंप्लेन को उसके अगेंस्ट, ठीक है। अब क्या है, एक बार सपोज कंप्लेन रजिस्टर होगी तो ये डायरेक्ट किस पर जाएगी, ICC के पास। ICC क्या है, ICC वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की एक सबसे, अगर एपेक्स बॉडी कहें, जो कि सबसे पहले उसके पास क्या जाती है, ये कंप्लेंट जाती है, और ये ICC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम समय में उस पर्टिकुलर जो कंप्लेंट है उस पर रिस्पॉन्स किया जाए, ठीक है। तो ये क्या करेगी, पर्टिकुलर जिस भी वर्क प्लेस में, चाहे वो किसी भी मिनिस्ट्री, किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसा हुआ हो, सरकारी डिपार्टमेंट, तो ICC सबसे पहले कंसर्न करेगी और देखेगी कि उस पर अच्छा एक फेयर डिसीजन लिया जाए और कम से कम समय में उस केस को या कंप्लेंट को लिया जाए। आगे ये पोर्टल जो है WCD कैन मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ इंक्वायरी कंडक्टेड बाय ICC। इवन WCD क्या करेगी, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री क्या करेगी, जो ICC
इंटरनल कंप्लेन कमेटी है वो कोई भी एक्शन ले रही है, कितनी जल्दी ले रही है, क्योंकि महिलाओं के साथ हो रहा है तो वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की ये जो मिनिस्ट्री है वो सब देखेगी और कितना टाइम में जल्दी से जल्दी हो ये इंश्योर करवाने की कोशिश करेगी। तो उसके बाद पांचवा पॉइंट है सी बॉक्स, ठीक है। ओके, सिक्स्थ पॉइंट है उज्ज्वला। देखिए एक उज्ज्वला योजना है जिसमें एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं, बट ये उज्ज्वला अलग है। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इंप्लीमेंट कर रहा है उज्ज्वला स्कीम, जो कि बहुत सारी, देखिए वीमेन ट्रैफिकिंग फेस करनी पड़ती है, एक जगह से दूसरा जगह भेजा जाता है। एक इससे पहले हमने आर्टिकल में सेक्स टूरिज्म का इतना पॉइंट देखा था जो कि महिलाओं को फेस करना पड़ता है, तो उज्ज्वला योजना उसी पहले पॉइंट के लिए सॉल्यूशन है, जहां पर जिन भी महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट होगा उनको रेस्क्यू किया जाएगा, रिहेबिलेट किया जाएगा, रिपाट्रिएशन, रीइंटीग्रेशन। तो ये एक तरह से बिल है, प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड रेस्क्यू, रिहेबिलेशन, रीइंटीग्रेशन एंड रिपाट्रिएशन ऑफ विक्टिम। बिल कहने का मतलब क्या है, एक स्कीम है जहां पर प्रिवेंट किया जाएगा जो भी ट्रैफिकिंग, रेस्क्यू, रिहेबिलेशन, रीइंटीग्रेशन, ये सब पूरा चीज़ें होती हैं महिलाओं के साथ जो ट्रैफिकिंग झेलनी पड़ती है, फेस करना पड़ता है, उसके अगेंस्ट जो भी प्रिवेंशन है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट उज्ज्वला स्कीम के साथ करेगी, उसके अंतर्गत करेगी। आगे इस स्कीम में ये भी बोला जाता है कि जिस वीमेन, जिस महिला को सेक्सुअल हरेसमेंट फेस कर रही है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, उसको स्किल प्रोवाइड की जाएंगी। इवन बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती हैं और नहीं कर पाती हैं, नहीं करती हैं, क्योंकि ये उस फैमिली का अगर हम बोले रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पर्टिकुलर वीमेन जिसके साथ भी सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है उसको सपोर्ट करें, बट बहुत सारी ऐसी फैमिली होती हैं अभी प्रेजेंट के बेसिस पे सपोर्ट नहीं करती, तो ये जो स्कीम है वो फूड प्रोवाइड करती है, क्लोथिंग, मेडिकल केयर, लीगल एड, एजुकेशन, इवन बहुत ज़्यादा शिक्षा भी देने की बात करती है ये पूरी स्कीम। तो इससे क्या होगा, उस महिला को एक जीने का नया अल्टरनेट पाथ मिलेगा, अल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये कुछ सेवंथ पॉइंट हमने देख चुके हैं। उसके बाद देखते हैं विमेन पावर लाइन 1090। 1090 क्या है, इससे पहले आपने 108 सुना होगा, 108 क्या है, एम्बुलेंस, आप डायल करेंगे एम्बुलेंस आपके घर आएगी। तो वैसे ही अगर किसी भी विमेन को इमीडिएट हेल्प चाहिए तो 1090 टोल फ्री नंबर आप डायल कर सकते हैं। ये जनरली किस स्टेट ने, किस राज्य ने की है, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश में, जिसमें कि जितने भी फॉर्म्स के हरेसमेंट हो, चाहे वो वर्बल अब्यूज ही क्यों ना हो, चाहे इमरजेंसी या नॉन इमरजेंसी हो, आप इस नंबर पे 1090 पर टोल फ्री आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इमीडिएट हेल्प के लिए। तो ये सातवीं हम कह सकते हैं आठवां सॉल्यूशन है, और इसमें देखा जाता है कि जितनी जल्दी उनको, महिलाओं को और गर्ल्स को प्रोटेक्ट किया जाए, स्पीडी प्रोटेक्शन होना चाहिए, इस बेसिस पे कॉल कीजिए और प्रोटेक्शन पाइए। तो ये सातवां या आठवां सॉल्यूशन हम देखने को मिलता है। अभी तक देखिए पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं कि वीमेन की सेफ्टी के लिए कोई भी मेंस में क्वेश्चन जनरल स्टडीज पेपर टू से रिलेटेड आता है कि हाँ गवर्नेंस क्या कर रही है। अभी हम आगे आने वाले जो हैं टॉपिक उसमें पूरी बात करेंगे कि किस तरह से डिस्कस किया जाएगा, कौन कौन से आर्टिकल हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, आर्टिकल 3 की बात कर लेते हैं, एजुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड बेटर फॉर टुमारो। देखिए जो एजुकेट करना है, शिक्षा देनी है गर्ल चाइल्ड को, अगर हमें भविष्य अच्छा चाहिए, किसका, नेशन का, किस रिस्पेक्ट में, अगर हम इकोनॉमी बेसिस पे कहें, वीमेन एम्पावरमेंट की बेसिस पे कहें, तो अभी की पीढ़ी, अभी की जनरेशन जो चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड है, उसको शिक्षा देनी चाहिए। तो आर्टिकल 3 यही कहता है, पूरा डिस्कशन इसी के बेसिस पे घूमेगा। आर्टिकल को दो पार्ट में डिवाइड किया है, व्हाई एजुकेशन इज इंडिस्पेंसेबल फॉर वीमेन और व्हाट आर द रिफॉर्म्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट वीमेन एजुकेशन। तो ये दो आर्टिकल हैं, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है। तो डिस्कशन सबसे पहले हम देखेंगे व्हाई एजुकेशन इज इंडिस्पेंसिबल फॉर वीमेन। देखिए क्यों जरूरी है, अगर बात करूं तो सबसे पहला, अगर ये सामाजिक जो, देखिए बहुत सारी अगर हम इतिहास से चलते आए हैं या मॉडर्न एनिशियंट हिस्ट्री भी आप देखें तो वीमेन को उतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं मिल रही है, नहीं मिलती आ रही है और भी प्रेजेंट का सिनेरियो। बट अगर उसमें से एक टूल हम कहें जिसका हम यूज करके वीमेन को सोशल डेवलपमेंट में
उसका सोशल अपलिफ्टमेंट कर सकें, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट कर सकें, और बहुत सारी जो सामाजिक धारणाएं होती हैं, इश्यूज होती हैं जो फेस करती है महिला, तो उसके लिए कौन सा टूल है? उसके लिए एक ही टूल है, सिर्फ एजुकेशन। तो एजुकेशन एक ऐसा टूल है जो कि सोशल डेवलपमेंट करवाएगा विमेन का, और बहुत सारी ऐसी जो अगर हम देखें प्रॉब्लम्स को जो फेस करती हैं महिलाएं, उससे प्रिवेंट करेगा, उसको कर्व करेगा, बहुत हद तक रिड्यूस करेगा। आगे हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा जो सोसाइटी में मिथ होते हैं कि गर्ल्स चाइल्ड को पढ़ाना नहीं चाहिए, तो एजुकेशन ही एक, देखिए पढ़ाना नहीं चाहिए विमेन को और गर्ल्स चाइल्ड को, एक सोसाइटी में ऐसा बोला जाता है, बट एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा टूल है जो कि अवेयरनेस दिलवाता है, अवेयरनेस फैलाता है लोगों में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, अर्बन हो या रूरल हो, वहाँ तक बताता है कि एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है जो कि सोसाइटी में चल रहे मिथ को तोड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें आगे, एजुकेटेड वीमेन कैन ब्रिंग इन मोर प्रोडक्टिव लिंकेज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बोथ, विच कैन ब्रिंग इन फ्रूट्स इन मल्टीपल डायरेक्शन। देखिए, अगर कोई महिला एजुकेटेड होती है तो वो सिर्फ, अभी गांधी जी ने भी ऐसा बोला है, हम आगे पढ़ेंगे कि महिलाओं को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ अगर किसी एक इंडिविजुअल को पढ़ाएंगे, आगे वैसे पूरा वो हम डिस्कस कर लेंगे कि एक मैन को पढ़ाते हैं तो वो सिर्फ एक ही मैन को हम एजुकेट कर रहे हैं, बल्कि अगर अगर हम एक चाइल्ड को एजुकेट कर रहे हैं, किसी गर्ल चाइल्ड को शिक्षा दे रहे हैं, तो वो पूरी फैमिली को शिक्षित करती है। अब देखिए, व्हाई एजुकेशन, एजुकेशन देखिए सिर्फ अगर देश के विकास की बात करूं, अभी मैंने जैसे बात करा कि इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट और सोशल अपलिफ्टमेंट करवाता है, सामाजिक जो है अपलिफ्टमेंट करवाता है एजुकेशन, तो वो सिर्फ इकोनॉमी के गेन ही नहीं करता, उसके साथ साथ जो नेशन की जीडीपी है वो भी राइज होती है, रेज होती है अगर हम एजुकेशन देते हैं। क्यों होगी इससे? अगर देखिए हम उनको एजुकेशन देंगे, शिक्षित करेंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगी, फीमेल वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की वैल्यूज उन पर इनकलकेट होगी, बहुत ज़्यादा माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज वो सेटअप करेंगे। आगे हम देखते हैं कि एक वेल एजुकेटेड जो वीमेन है उसके बहुत अच्छे, देखिए फैमिली हेल्थ में, देखिए सबसे बड़ा कंसर्न अभी के बेसिस पे, अगर सोसाइटी के बेसिस पे, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में लोगों को पता नहीं रहता, हार्ट डिजीजेस, अस्थमा के बारे में पता नहीं रहता, तो फैमिली हेल्थ के बारे में कि कैसे एक पूरी फैमिली परिवार की जो हेल्थ डिसीजन है, अगर कोई वीमेन एजुकेटेड वीमेन होगी तो फैमिली की हेल्थ भी उससे, देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है, हालांकि ये कॉमन पॉइंट है, बट बहुत सारे लोग नहीं मिल पा नहीं अपने मेंस के आंसर में ऐसे पॉइंट लिखते, तो आप लिख सकते हैं कि एक एजुकेटेड वीमेन होगी तो वो बहुत अच्छे से डिसीजन ले सकती है जो परिवार की हेल्थ होती है। ठीक है, चाहे वो डिजीज़ के रिस्पेक्ट में हो, चाहे वो इकोनॉमिक ही हेल्थ क्यों ना हो, इकोनॉमिक हेल्थ में, फैमिली की हेल्थ में और फिजिकल हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर कोई एजुकेटेड वीमेन होगी। आगे हम देखते हैं, एजुकेशन अगर हम शिक्षित करते हैं तो जो रोज़गार अभी इतना ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है तो वो भी बढ़ेगा, क्योंकि जो इंडस्ट्री भी चाहती है कि स्किल्ड वर्कफोर्स हो, एजुकेटेड वीमेंस मिले, एग्रीकल्चर सेक्टर में हालांकि बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं बट उतना ज़्यादा जीडीपी पर कंट्रीब्यूशन नहीं करते, बट कोई शिक्षित महिला होगी तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी और इंडस्ट्रियल सेक्टर में पार्टिसिपेशन देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो वीमेन होती है, व्हेन वीमेन आर इंक्लूडेड इन की डिसीजन मेकिंग, देखिए सबसे बड़ी बात है, एक तो डेमोक्रेसी की तो बात कहते ही हैं कि अगर वीमेन जो इलेक्टेड वीमेन रिप्रेजेंटेटिव होती है, EWR, इस पर पूरा हमने एक आर्टिकल किया है योजना के अक्टूबर में, इलेक्टेड वीमेन रिप्रेजेंटेटिव, देखिए अगर किसी सोसाइटी में किसी महिला रिप्रेजेंटेटिव को प्रतिनिधित्व अपना करने दिया जाए तो बहुत सारी जो जो अगर हम रूरल पैटार्की माइंडसेट की बात करें कि वीमेन हमको लीड नहीं कर सकती, तो ये सब भ्रम टूट जाते हैं। तो एक तरह से वीमेन को अगर हम एजुकेशन दिलवाते हैं तो डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी रहती है, चाहे वो समाज के विकास के लिए हो, चाहे देश के विकास के लिए हो, और खुद का जो उस वीमेन का विकास होता है और उसके परिवार का विकास होता है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है अगर हम किसी महिलाओं को शिक्षित करते हैं या किसी गर्ल चाइल्ड को शिक्षित करते हैं। तो इतनी चीज़ें तो हो जाती हैं, क्यों ज़रूरी है हमने देख लिया कि वीमेन को शिक्षित कराना, बट क्या वो शिक्षित किस तरीके से होंगी, भारत सरकार क्या कर रही है? तो अगला टॉपिक यही है, व्हाट आर द रिफॉर्म्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट वीमेन एजुकेशन, कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं भारत सरकार ले रही है जिससे कि वीमेन एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। सबसे पहला है साक्षर भारत मिशन फॉर फीमेल लिटरेसी प्रोग्राम।
अभी जेंडर गैप इतना बढ़ता है, वो जेंडर गैप हेल्थ के बेसिस पे बढ़ता है, एजुकेशन के बेसिस पे बढ़ता है। जो फैमिली होती है वो जनरली अगर कोई डिजीज़ हो जाए, ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी ऐसा हो रहा है कि वो लोग मैन को प्रिफर करते हैं कि हाँ इसका इलाज हो जाना चाहिए, पर महिलाओं को उतनी अटेंशन नहीं दी जा रही है। वैसे ही एजुकेशन के बेसिस में भी होता है, जो गर्ल चाइल्ड होती है, इवन ग्रामीण क्षेत्र तो सही है, उसके साथ साथ जो शहरी क्षेत्र भी होता है वहाँ पर देखने को मिलता है कि जो गर्ल चाइल्ड इनरोलमेंट नहीं किया जाता है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है प्राइमरी एजुकेशन में। तो साक्षर भारत मिशन फॉर फीमेल लिटरेसी यही करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये 2009 में शुरू किया गया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि 80% तक जो लिटरेसी लेवल है वो केंद्र के लेवल पर, नेशनल लेवल पर क्या करा जाए, अचीव किया जाए। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये देखने को मिलता है कि टू रिड्यूस द गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी टू नॉट मोर देन 10% पॉइंट है। कि देखिए, अगर सपोज फीमेल का, अभी आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन है आपके लिए प्रीलिम्स के लिए, 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें मेल की लिटरेसी रेट क्या है परसेंट के बेसिस पर बताइएगा, और फीमेल की लिटरेसी रेट है कितना है ये, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जा सकता है हर एग्जाम में ऐसा। तो 10% के बीच में रिड्यूस होना चाहिए, इतना अंतर आ सकता है। जैसे फीमेल की लिटरेसी रेट सपोज 60% है, तो मेल का कम से कम 70 होना चाहिए। कहने का मतलब 10% का गैप इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, मोटो था, कि ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। कि ऐसा हो रहा है कि मेल का जो परसेंट रेट है लिटरेसी वो 80 है, वहीं जो फीमेल का है वो 50 तक पहुंचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ 10% तक रिडक्शन लेवल हो सकता है, उसके ज़्यादा बढ़ जाए तो बहुत अच्छा है। अब देखा जाता है इस पूरी गवर्नमेंट की स्कीम में कि इसके चार ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव हैं जो देखने को मिलता है। सबसे पहला है नेमली इम्पार्टिंग फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी टू नॉन लिटरेट। दूसरा, एक्वायरिंग इक्विवेलेंसी टू फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। देखिए, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं, गर्ल चाइल्ड होती हैं, वो फैमिली वाले खुद घर पर ही उनको पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब है एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम उनको दिलवाना चाहिए। कहने का मतलब जिसमें सर्टिफिकेट मिले। एक तरह से क्या होता है, मैं इसको आपको एक इस पूरे एग्जाम फॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम को एक एग्जाम्पल के बेसिस पर समझाना चाहूँगा कि देखिए, बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं, जो भी वर्कर उनके पास काम करने आता है, उनसे बोला जाता है कि आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइए जो आपने स्किल ली है। तो उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होते हैं, क्योंकि वो इनफॉर्मल तरीके से स्किल्स लेते हैं। हालांकि उनको मशीन ऑपरेट करना आता है, बट इंडस्ट्री को क्या चाहिए रहता है, उसके साथ साथ में भी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो वैसे ही फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में इसमें देखा जाता है। आगे देखा जाता है, तीसरा पॉइंट है इम्पार्टिंग रेलिवेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके साथ साथ उनको शिक्षित तो किया जाना चाहिए, ताकि वो फ्यूचर में, भविष्य में कोई इंडस्ट्री वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट करें, तो उनके लिए उनको स्किल डेवलपमेंट भी दी जाती है। आगे है प्रमोट ए लीनिंग सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन। ठीक है, ताकि वो देखिए समाज में होने वाली जो डेवलपमेंट है उस पर पार्टिसिपेट करें, चाहे वो डेमोक्रेसी लेवल पर, इलेक्शन पर पार्टिसिपेट करना हो, अवेयरनेस फैलानी हो। तो ये चार ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव हैं इस पूरे स्कीम के। ठीक है, पहला हमने देख लिया कि भारत सरकार ने क्या किया। दूसरा क्या है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री कंपलसरी एजुकेशन, RTE एक्ट 2009। राइट, देखिए, फ्री एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई 2009 में। इसमें यह बोला गया कि एलिमेंट्री एजुकेशन देनी चाहिए, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। इसमें यह बोला जाता है कि जो टीचर्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इस स्कीम में डाले गए कि अच्छे जो ट्रेंड टीचर के बेसिस पर उनको एलिमेंट्री एजुकेशन दिलवानी चाहिए टाइमली मैनर पर। बहुत ज़्यादा इनरोलमेंट इंश्योर करते हैं कि मेल के साथ, मेल बॉय के साथ, जो फीमेल जो गर्ल है उनको भी बहुत ज़्यादा इनरोलमेंट के बेसिस पर इंश्योर किया जाता है। आगे देखा जाता है, आर्टिकल कहता है कि अंडर RTE एक्ट 2009, जो RTE एक्ट है, तो वो कहता है कि जितनी भी प्राइमरी स्कूल इज़ प्रोवाइडेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर एंड अपर प्राइमरी स्कूल इज़ प्रोवाइडेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर थ्रू द स्टेट। देखिए, अब क्या है, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, अर्बन क्षेत्र में तो अभी देखने को मिलता है कि आपके बगल पे ही एक स्कूल हर जगह देखने को मिलता है, बट ग्रामीण क्षेत्र में दूर दूर तक क्या होते हैं, स्कूल नहीं देखने को मिलते हैं। तो एक प्रोविज़न लाया गया अंडर RTE एक्ट 2009 में, उसमें यह बोला गया कि जो प्राइमरी स्कूल है उसमें घरों से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर जितने भी लोग हैं वो
स्कूल होना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन और अपर प्राइमरी। देखिए अगर प्राइमरी की बात करूँ तो जनरली अलग अलग इनके डेफिनेशन रहती है, 1 से 5th तक प्राइमरी, अपर प्राइमरी वो 6th से 8th तक भी बोला करते हैं। तो इसमें क्या है, प्राइमरी स्कूल जो होना चाहिए 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, कि ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो स्कूल होता है उनका बहुत दूर रहता है, तो वो भेजते नहीं हैं अपने बच्चों को। तो एक प्रोविज़न लाया गया अंडर RTA एक्ट है इसलिए कि 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए 1 से 5th तक प्राइमरी स्कूल, और 6 to 8th 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। ओके, तीसरा पॉइंट है व्हाट आर द रिफॉर्म्स टेकन बाय गवर्नमेंट। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ऐसी जो है गर्ल्स के लिए खोला गया जो कि एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं। देखिए बहुत सारी ऐसे जो ब्लॉक्स होते हैं जो शिक्षित, जहाँ लिटरेसी लेवल बहुत कम होता है, कि हार्डली बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते हैं, तो ऐसी जगह में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोला जाएगा। और इसमें एक प्रोविज़न ये भी था कि जो 2001 के सेंसस पे नेशनल एवरेज जो लिटरेसी रेट था उसमें से कम होना, कहने का मतलब विथ रूरल फीमेल लिटरेसी बिलो द नेशनल एवरेज एज पर सेंसस 2011। सेंसस 2001 के बेसिस पे जितना भी लिटरेसी रेट होगा उससे जो कम लिटरेसी रेट वाले अगर जो एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स देखे जाएंगे उस पे ये विद्यालय खोला जाएगा, और देखा जाएगा कि जो 75% सीट हैं वहाँ आरक्षित की जाएंगी SC ST OBC मुस्लिम और BPL गर्ल्स के लिए। ठीक है, तो ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लिटरेसी रेट हार्डली बहुत कम रहता है, वहाँ पर ऐसा ब्लॉक ऐसे विद्यालय खोले जाएंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट है द नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। और देखिए एक नेशनल प्रोग्राम खोला गया जिसमें कि एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल पे, ये भी एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक के लिए खोला गया जहाँ पर जो है लिटरेसी रेट बहुत कम है, यहाँ पर दोनों ही गर्ल्स इंक्लूड होंगी, इन और आउट ऑफ स्कूल। इन और आउट का मतलब क्या है, देखिए आउट ऑफ स्कूल की ऐसी गर्ल्स होती हैं या तो उनको कभी इनरोलमेंट किया ही नहीं गया, कहने का मतलब ऐसी गर्ल्स, ऐसी जो लड़कियां हैं जिनको कभी स्कूल भेजा ही नहीं गया, या दूसरी वो हैं जिनको भेजा तो गया बट उनको किसी वजह से अपना स्कूल छोड़ना पड़ा, तो उनको फोकस किया जाता है, उनको शिक्षित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एलिमिनेट करता है जेंडर बाइस इन द क्लासरूम। देखिए बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा जो सोसाइटी होती है वो बहुत से जेंडर बाइस होती है, कि हाँ मेल को प्रेफरेंस देती है कि हाँ एजुकेशन इसको देनी चाहिए। तो इस पूरी स्कीम में ये भी एक प्रोविज़न है कि एलिमिनेट करना है ये जेंडर बाइस, जो लड़का लड़की का एक समान बोला जाना चाहिए, एक कोट है, लड़का 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 लड़की एक समान, दोनों को दो विद्या ज्ञान। तो विद्या दान का मतलब है एजुकेशन दोनों को देनी चाहिए और आपको जेंडर वाइज नहीं होना चाहिए कि आप पर्टिकुलर मेल को ही प्रेफर कर रहे हो शिक्षा देने के लिए। आगे उसके बाद पांचवा पॉइंट देखने को मिलता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA। एक ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी स्कीम जो इम्प्लीमेंट तो राज्य सरकार करती है बट उसका जो पैसा आता है, फंडिंग होती है, वो केंद्र सरकार करती है। बहुत अलग अलग स्कीम्स में इसको अलग अलग तरीके से दिया जाता है। बहुत सारी स्कीम में 60-40 का शेयर रहता है, किसी में 90-10 का शेयर रहता है। तो इसमें ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जहाँ पर ये स्कीम है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इम्प्लीमेंट तो राज्य सरकार करेगी बट फंडिंग कौन देगी, केंद्र सरकार। इसमें क्या किया जाएगा, पूरी एजुकेशन क्वालिटी को सुधार की ज़रूरत है, और इसीलिए सुधार की ज़रूरत में इस पूरे एजुकेशन क्वालिटी में इम्प्रूव किया जाएगा। अब कैसे सुधार किया जाएगा, बुक्स का स्टैंडर्ड बढ़ा के, बुक्स को एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के बेसिस में फ्रेम करके, कौन सी बुक पढ़ाई जानी चाहिए, कौन से जो आप स्टैंडर्ड में हो उस बेसिस पर आपको मैथ्स के, अगर मैं लेवल की बात करूँ तो उस बेसिस पर आपको शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं जहाँ पर अभी भी 7th क्लास से इंग्लिश स्टार्ट की जा रही है, ABCD उनको जब वो 7th में पढ़ते हैं तब से स्टार्ट की जाती है। तो ये हम कहें स्टैंडर्ड बहुत नीचे देखने को मिलता है। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यही है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बदलाव आना चाहिए, इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, जो कि सेकेंडरी लेवल बाय मेकिंग ऑल सेकेंडरी स्कूल कंफर्म टू प्रिस्क्राइब नॉर्म्स, रिमूविंग जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक और डिसेबिलिटी बैरियर, इनको डिक्रीज कर पाए। ठीक है,
आगे हम देखते हैं, उसके बाद है एट्थ धनलक्ष्मी। देखिए धनलक्ष्मी एक ऐसा है कैश ट्रांसफ़र स्कीम है गर्ल चाइल्ड के लिए, जिसमें कि बहुत सारी ऐसी जो फैमिलीज़ होती हैं वो अपने जो गर्ल चाइल्ड को हैं स्कूल में एनरोलमेंट नहीं दी जाती हैं, तो इसलिए उन परिवारों को कैश ट्रांसफ़र दिया जाता है, एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, जिससे कि वह लोग इनक्रेज करें और एक इनक्रेजमेंट हो कि उन गर्ल्स चाइल्ड को क्या करना चाहिए, भेजना चाहिए स्कूल। तो हमने कम से कम 7 से 8 टॉपिक पढ़ लिए हैं, इतने सारे हम एजुकेशन के बेसिस पे देख चुके हैं कि भारत सरकार क्या कर रही है। चौथा अगर आर्टिकल देखें, इस आर्टिकल का नाम है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर रूरल वीमेन, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए कौन कौन सी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कर रही है। तो इस आर्टिकल को 2 फेजेज में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहला है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन एम्पावरिंग वीमेन, एजुकेशन का क्या रोल है वीमेन एम्पावरमेंट के लिए। उसके बाद दूसरा है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविज़न अवेलेबल फॉर वीमेन, महिलाओं के लिए जो संवैधानिक बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल कौन से प्रोविज़न हैं, कौन कौन से एक्ट हैं लीगल प्रोविज़न हैं वो महिलाओं के लिए रखे गए हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहला व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन एम्पावरिंग वीमेन, क्या रोल है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था इफ़ यू एजुकेट ए मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, हाउ एवर इफ़ यू एजुकेट ए वीमेन यू एजुकेट ए होल फैमिली। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप एक आदमी को या मैन को एजुकेट करते हैं तो आप सिर्फ एक इंडिविजुअल को ही एजुकेट कर रहे हैं, इसके साथ साथ अगर आप किसी एक महिला को या गर्ल चाइल्ड को एजुकेट कर रहे हैं तो आप पूरी परिवार को एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद साथ साथ कहा जाता है कि किसी भी अगर गर्ल को आप एजुकेट करते हो, किसी भी वीमेन को आप एजुकेट करते हो, तो वो उसकी जो जो शिक्षा आप देते हो उससे वो क्या कर पाती है, सोसाइटी में उसका अपलिफ्टमेंट होता है, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। इसके साथ साथ उन वीमेन्स के लिए, उन गर्ल चाइल्ड के लिए क्या अधिकार दिए गए हैं संविधान में, क्या अधिकार दिए हैं, लीगल क्या अधिकार हैं, वो सब जान पाती हैं उन अधिकारों के बारे में और उन अधिकारों को क्लेम करती हैं ऐसी महिलाएं। आगे देखने को मिलता है कि एजुकेशन इज़ बोथ इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए एजुकेशन इनपुट और आउटपुट ह्यूमन डेवलपमेंट की तरह काम करता है। कहने का क्या मतलब है इसमें कि देखिए सपोज आप किसी वीमेन को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो एक तो तरह क्या हो सकता है कि वो वीमेन अपनी पूरी फैमिली को एजुकेट देगी, अवेयरनेस फैलाएगी, उसके साथ साथ वो नेशन को भी हेल्प करेगी उसके विकास में। कैसे, बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। अगर सपोज हम किसी महिला को शिक्षित करते हैं तो उन पर क्या होता है, एक जैसे साइंटिफिक वैल्यूज़ इनकलकेट होती है वैसे एंटरप्रेन्योरशिप की वैल्यूज़ भी इनकलकेट होती हैं, जिससे कि वो फीमेल आगे आने वाले जो देश की GDP इंक्रीमेंट में पार्टिसिपेशन होता है वो पूरा कंट्रीब्यूट कर सकें। कैसे कि बहुत सारी माइक्रो इंटरप्राइजेस खोल सकती हैं, फैक्ट्रीज खोल सकती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप वैल्यू जब आती हैं जब वो शिक्षित होंगी। तो ये रोल रहता है एजुकेशन का वीमेन एम्पावरमेंट में, कि अगर हमने महिलाओं को एम्पावर करना है तो ये एजुकेशन का रोल रहता है। उसके साथ साथ हम देखते हैं डेमोक्रेसी लेवल पर, इससे पहले हमने बात की है इलेक्टेड वीमेन रिप्रेजेंटेटिव की, जो महिला प्रतिनिधित्व होती है कि लीडरशिप का रोल प्ले करती है। अगर हम किसी भी महिला को शिक्षित करेंगे तो डेमोक्रेसी लेवल बहुत ज़्यादा, इससे वो डेमोक्रेसी के लेवल को समझती हैं और किस तरह से किसी एक पर्टिकुलर लोगों को महिलाओं का अपलिफ्टमेंट करना है, पर्टिकुलर टारगेटेड में कौन कौन सी स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है बिना अपने हस्बैंड से पूछे। क्योंकि बहुत बार ऐसा रहता है कि इलेक्टेड वीमेन रिप्रेजेंटेटिव तो कोई महिला होती है, इलेक्टेड वीमेन जो होती है रिप्रेजेंटेटिव तो महिला होती है, बट उनके रिस्पेक्ट में कौन काम करते हैं, उनके हस्बैंड काम करते हैं। बट अगर कोई महिला शिक्षित होगी तो वो अपना अधिकार क्लेम कर सकती है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी भी महिला को हम शिक्षित करेंगे तो वो अपने क्लेम्स को क्या कर सकती है, अपने अधिकार को क्लेम कर सकती है। तो डेमोक्रेसी को अच्छी तरह समझ पाती है और वो प्रमोट करती हैं जितने भी पॉलिटिकल लाइफ ऑफ देयर सोसाइटी है, सामाजिक जो राजनीतिक अगर विकास भी है लोगों तक, जो महिलाओं पर उनके लिए टारगेटेड स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना हो तो वो महिला करेगी अगर वो महिला शिक्षित है। अगर शिक्षा नहीं होगी तो सिंपल सी बात है उसको डिपेंड होना पड़ेगा किसी मेल वर्कर पे, किसी दूसरी फीमेल पे, या हम कह सकते हैं अपने हस्बैंड पे।
आगे हम देखते हैं एजुकेशन क्या करती है, विमेन की लाइफ को पूरी तरह बदलती है, चाहे वो इकोनॉमिक रिस्पेक्ट में हो, सोसाइटी के बेसिस पर हो, या नेशन के जीडीपी के बेसिस पर हो, कि किस तरह से पार्टिसिपेट करना है, विमेन की हेल्थ पर पूरा असर इससे पड़ता है। ठीक है, विमेन की हेल्थ पर कैसे, देखिए शिक्षित रहेगी तो विमेन को पता होगा कि क्या क्या ज़रूरी है, एक हेल्थ, एक न्यूट्रिशन लेना, पोषण लेना, उसके साथ साथ विमेन की हेल्थ में तो शिक्षा से ये असर पड़ता है, उसके साथ साथ फैमिली हेल्थ की डिसीजन जो मेकिंग होती है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होगा, जितनी भी महिलाएं होंगी वो बहुत ज़्यादा एम्पावर होंगी। अब देखते हैं व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविज़न अवेलेबल फॉर विमेन, कौन कौन से जो कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के जो प्रावधान हैं वो प्रेजेंट हैं महिलाओं के लिए। देखिए शिक्षित ही नहीं होंगी तो ये कैसे प्रावधान जानेंगी, इतने सारे संविधान ने प्रावधान बनाए हैं महिलाओं के लिए, अगर शिक्षा ही नहीं होगी तो इन प्रावधान को कैसे क्लेम करेगी कोई भी महिला। तो इसलिए एम्पावरमेंट करने के लिए एजुकेशन का सबसे बड़ा रोल है। देखिए सब आर्टिकल, हम बहुत सारे आर्टिकल हैं, आप मेंशन करोगे सभी को तो अपने मेंस आंसर पर नहीं लिखोगे, बट आप सिर्फ आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 सिर्फ ये मेंशन करके अपना आंसर को पूरा अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आर्टिकल 15 क्या है। फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल 15 क्या है। इक्वलिटी बिफोर लॉ फॉर विमेन, देखिए एक कानून के सामने कोई ऐसा नहीं होगा कि मेल ने खून कर दिया या फीमेल ने खून कर दिया तो फीमेल को जल्दी ज़्यादा सज़ा मिलेगी, तो ये तो मर्डर के बेसिस पर हो गया, या किसी भी के बेसिस पर अगर कोई पे डील करना हो, कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता हो, तो ऐसा नहीं होगा कि जो फीमेल हैं उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आर्टिकल 14 यही कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने इक्वल होगा चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। ओके, उसके बाद आर्टिकल 15 है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है कौन कौन से ग्राउंड में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपसे ओनली, ठीक है ये पढ़ लीजिएगा, ओनली ओनली ऑफ, ठीक है ओनली 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है कभी कभी ये पूछा भी जाता है कि कितने उसमें, तो कभी एक के बेसिस पर 2, 3 और 5, तो आंसर कितना होगा 5। रिलीजन कौन से धर्म के हो, रेस कहाँ से आते हो, कास्ट क्या है, सेक्स क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ जन्मे हो, ये पूछा नहीं जाता है। आर्टिकल 15 है मेक स्पेशल प्रोविजन, कोई राज्य स्पेशल प्रोविजन बना सकता है महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, कैसे कैसे स्पेशल प्रोविजन बन सकता है, जैसे रिजर्वेशन देना, तो इसमें कोई ऐसा कानून में चेंज नहीं करने पड़ते, संविधान में ऐसा लिखा गया है कि कोई राज्य बना सकता है, जैसे एक्स्ट्रा रिजर्वेशन देना 33 से 34% भी कर सकता है कोई राज्य, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 16 है कि अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए सभी सिटीजन्स को, मेल और फीमेल दोनों ही इंक्लूड रहती हैं, किसके रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ठीक है अपॉर्चुनिटी सेम, ऐसा नहीं कि ये हाँ ये पर्टिकुलर जो जॉब है ये मेल ही कर सकता है, फीमेल को इसमें आने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो जो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी आर्टिकल 16। उसके बाद आर्टिकल 39 है, फिर आर्टिकल 39 का क्लॉज डी है, आर्टिकल 39 का क्लॉज ए है, इसमें क्या है इक्वल वेजेस की बात की गई है, और विमेन इक्वली द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आर्टिकल 39 डी में क्या बोला गया है कि सेम काम अगर कोई आदमी करता है, कोई महिला करती है, मेल या फीमेल करता है, तो उसको इक्वल पे देना चाहिए, ठीक है। अगर सिंपल सी बात है, जो विमेन शिक्षित नहीं है तो वो इन अधिकारों के बारे में नहीं जान सकती। उसके बाद है आर्टिकल 39 ए, फिर है आर्टिकल 42, फिर आर्टिकल 51 ए, इसमें क्या है आर्टिकल 39 ए में क्या है, टू प्रमोट, देखिए पूरा जो मैं लीगल लिखा गया है उसके बेसिस पे बोलूँगा, पहले पढ़ता हूँ, टू प्रमोट जस्टिस ऑन ए बेसिस ऑफ, आपको देखिए अपने बेसिस पर अपनी लैंग्वेज में ये नहीं लिखना, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज होती है, संविधान की लैंग्वेज होती है, आप उस पूरे को लिख के अगर अपना आंसर लिखें तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो पूरी उनकी ही लैंग्वेज में लिखिएगा, अपनी लैंग्वेज में कम ही यूज कीजिएगा तो अच्छा है। टू प्रमोट जस्टिस ऑन ए बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड बाई सुटेबल लेजिस्लेशन और स्कीम और इन एनी अदर वे टू इंश्योर दैट अपॉर्चुनिटी फॉर सिक्योरिंग जस्टिस आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन बाई रीजन ऑफ इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज। 39 ए में यह बोला जाता है चाहे फीमेल है या मेल है, उनको एक लीगल एड दिया जाएगा और इस बेसिस पर उनको डिनाई नहीं किया जा सकता कि उनकी आर्थिक कंडीशन क्या है, कि हाँ इस पर्सन का एक हाथ नहीं है तो ये अपनी उसको लीगल एड नहीं देंगे, ऐसा नहीं लिखा गया है। इसमें ये बोला गया है कि चाहे उसकी आर्थिक कंडीशन कोई भी हो, सपोज बहुत सारे ऐसे लीगल एड होते हैं जहाँ पर एक जो है प्राइवेट एडवोकेट कोई हायर नहीं कर पाता,
इस बेसिस पे क्या होता है, जो सरकार होता है, जो पब्लिक है, सरकारी एक वकील देती है उस पर्सन को जो हायर नहीं कर पाता है। आर्टिकल 42, द स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन। तो मैं इसको पूरा पढ़ता नहीं हूँ, आप समझ जाएंगे। वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ की बात की गई है। आर्टिकल 51A में प्रमोट हारमोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारे की बात की गई है। डिग्निटी ऑफ वीमेन, उसको बनाए रखने की बात की गई है। तो ये आर्टिकल 39 है। 42 आप डायरेक्ट ये मेंस में पूरा ना लिख के मेंशन भी कर सकते हैं कि इन आर्टिकल में ये वीमेन से रिलेटेड जुड़े हुए आर्टिकल हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं अपनी पूरे मेंस के आंसर में। आगे आर्टिकल 243D है और 243D4 है। तो उसमें वही है, रिजर्वेशन की बात की गई है कि रिजर्वेशन देना चाहिए, आरक्षण देना चाहिए, जिससे कि वीमेन का अपलिपमेंट हो सोसाइटी के बेसिस पे और आर्थिक बेसिस पे। इसमें बोला जाता है कि उसमें जो वीमेन है वो सभी प्रकार की वीमेन होंगी, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे शेड्यूल ट्राइब की वीमेन होती हैं। वीमेन्स में भी कैटेगरी यहाँ पर बांट दी गई है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की भी वीमेन का भी अपलिपमेंट होना चाहिए, क्योंकि उतना ज़्यादा, चाहे वो पंचायत रिलेटेड हो। इससे पहले हमने एक पंचायती राज योजना पर डिस्कशन किया है कि कैसे पंचायती राज में वीमेन को रिजर्वेशन दिया जाता है। आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं, पंचायती राज से रिलेटेड पूरे कुरुक्षेत्र में मेंशन है। उसके बाद नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसेज ऑफ चेयरपर्सन इन द पंचायत। अब देखिए, पंचायत में जो पंचायत 72nd और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बेसिस पे ऐसा बोला जाता है कि सभी राज्यों को पंचायती सेटअप करनी पड़ेगी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो उनके जो चेयरपर्सन होंगे उसमें 1/3 जो चेयरपर्सन होंगी वो वीमेन के लिए रिजर्व हैं। तो ये वीमेन से जुड़ा हुआ आर्टिकल है, संविधान में प्रोविज़न लिखा गया है। आर्टिकल 243T है, वही है, रिजर्वेशन से रिलेटेड है। ये पूरा म्यूनसिपैलिटी के बेसिस पे कहा गया है, ठीक है, वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये हमारा म्यूनसिपैलिटी के बेसिस पे किया गया है, ठीक है, कि 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब ये तो हमने कुछ संविधान के एक्ट, देखिए आपसे कभी भी मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट ये पूरा लिखना नहीं है, आप सिर्फ आर्टिकल भी मेंशन कर देंगे तो इससे इम्पैक्ट पड़ेगा आपके आंसर में। पूरे संविधान के हमने पूरे देख लिए हैं, कौन कौन से आर्टिकल महिलाओं के लिए थे। अब द डाउरी, दूसरा आर्टिकल है द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ये पूरा दहेज से रिलेटेड है, ये प्रोहिबिट करता है द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी बाय आइदर पार्टीज टू ए मैरिज। अगर कभी भी ऐसी प्रैक्टिस की जा रही है, कोई भी पार्टीज़ दहेज लेने और देने की बात कर रही है, तो डाउरी प्रोविजन एक्ट है 1961 में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाओं को वॉयलेंस होता है उनके अगेंस्ट इस बेसिस पे, डाउरी के बेसिस पे। फिर उसके बाद है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। अगर आप काम कर रहे हैं, इक्वल काम कर रहे हैं, चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, आप सेम काम कर रहे हैं तो आपको इक्वल रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, इक्वल वेजेस मिलने चाहिए, बिना डिस्क्रिमिनेशन के, बिना सेक्स के। बिना सेक्स के कहने का मतलब है, चाहे आप फीमेल हैं या मेल हैं, आपको इक्वल, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको इक्वल वेज मिलेंगे। अगर आप सेम इक्वल नंबर ऑफ अगर आवर्स के बेसिस पर काम कर रहे हैं तो आपको सेम पगार मिलनी चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। द प्रोडक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अब बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके घरेलू बहुत ज़्यादा वायलेंस होते हैं, जो फैमिली होती है कि आप डाउरी लाइए, तो उसके लिए एक्ट बनाया गया। उसके बाद है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो वर्कफोर्स में, वर्क प्लेस में काम करती हैं, बट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम पहले उनको रिलीफ दिया जाता था, अब इस दौरान उनकी सैलरी काटी नहीं जाएगी। पहले उनको क्या दिया जाता था, 12 वीक, अब वो बढ़ा के कर दिया गया है। द एक्ट प्रोवाइड 24 वीक्स एज अ मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी वर्किंग वीमेन शैल बी इंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट, ले सकती है 24 वीक तक, उसको कर दिया गया है। उसके बाद है आजीविका, ये डिस्कशन हम पहले, ये स्कीम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जून 2011 में भारत सरकार इसको शुरू करती है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसमें कि जो रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उनको लाइवलीहुड मिशन के लिए जो दिनचर्या है जिससे अपनी लाइवलीहुड चला सकें वो प्रोवाइड करती हैं। उसमें क्या है, उनको क्या क्या दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल असिस्टेंस, उसमें बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन है जैसे वर्ल्ड बैंक भी इन्वेस्ट करता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, इंडिविजुअल हैं, उनको स्किल दी जाए, उनको जॉब दी जाए, उनको रोड ट्रांसपोर्टेशन में ई रिक्शा भी कभी कभी दिया जाता है जिससे कि वो लाइवलीहुड चला सकें, कुछ अर्निंग कर सकें, ठीक है।
अब उसके बाद है महिला ई हार्ट। महिला ई हार्ट एक तरह से आप एक ये समझ लीजिए कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो प्रोडक्ट बनाती हैं, बट वो अपने प्रोडक्ट कहाँ बेचें। तो एक तरह से सब्जी मंडी जैसे होती है, वैसे ही महिला ई हार्ट भी है। महिला ई हार्ट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जितनी भी वीमेंस हैं अपने प्रोडक्ट को बेच सकती हैं, और अपने जो भी चाहे वो घर पर कोई भी सिलाई बुनाई कर रही है, एक तरह से अमेजन की तरह सोच लीजिए, फ्लिपकार्ट की तरह सोच लीजिए, कि जो महिलाएं होंगी, महिलाएं ई आर्ट है, उसमें क्या होती हैं, महिलाएं अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगी जिससे उनकी इनकम भी बढ़ेगी। ये किसके अंडर आता है, डिजिटल इंडिया और स्टैंडअप इंडिया का एक पार्ट है। उसके साथ साथ स्टेप स्कीम, देखिए मैं दोबारा ही इसको रिपीट कर रहा हूँ, वैसे हमने ये अक्टूबर योजना में सब डिस्कशन कर चुके हैं, इससे पहले जो कुरुक्षेत्र है उस पर भी डिस्कशन कर चुके हैं। सपोर्टिंग टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वीमेन। अब देखिए बहुत सारी वीमेन्स को ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, स्किल डेवलपमेंट नहीं दिया जाता, तो यह स्कीम वही करती है, उनको ट्रेनिंग देती है, रोजगार में उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी अर्निंग हो, ये इंश्योर करती है, ठीक है। उनको स्किल देंगी जिससे कि इंडस्ट्री के वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में उनका बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। ओके, आगे है, लास्ट हम कह सकते हैं राजीव गांधी, राजीव गांधी नेशनल क्रैचेस स्कीम। इससे पहले भी ये कर चुके थे। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो वर्कफोर्स, उनको अपने घर से दूसरी जगह काम करने जाना पड़ता है वर्कफोर्स ऑफिसेज में। अब क्या होती हैं, जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं, अब क्या होता है, जिनका भी चाइल्ड है 0 से 6 एज तक है, वो अपने जो बेटे को क्या कर सकती हैं, जो अपना बच्चा होगा चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है, उसको एक जगह दे सकती है। कहने का मतलब वो काम पे भी जाएंगी, और ये भारत सरकार ये इंश्योर करती है कि जो भी क्रैचे सिस्टम बनेगा वो उनके ऑफिस के बगल पे ही होना चाहिए, ठीक है। उस पे क्या होगा, जो भी वर्किंग वीमेन्स हैं वो अपने चाइल्ड को उस पर्टिकुलर क्रैचे सिस्टम में छोड़ के जाएंगी जहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल वीमेन होती हैं जो उनको देखती हैं, ठीक है, जिनकी इनकम। और इसमें कुछ प्रोविज़न भी दिए गए हैं कि फ्रॉम फैमिलीज विथ मंथली इनकम लेस देन 12,000, और उनका थोड़ा सा एज, वर्किंग जो मदर्स होती हैं जो चाइल्ड हैं, कितने तक उनको फैसिलिटी मिलेंगी, जिनका चाइल्ड 0 से 6 एज तक है, और जो फैमिली इनकम जिनकी 12,000 से कम भी है, उनको भी ये सिस्टम राजीव गांधी नेशनल क्रैचे स्कीम प्रोवाइड की जाएगी, कि ताकि उनके जो वर्किंग जो है, जो काम है उस पर वो जा सकें, ठीक है। आगे इस स्कीम में न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी दी जाएगी, इम्यूनाइजेशन, पोलियो ड्रॉप्स के बारे में जानकारी दी जाएगी, उनके जो चिल्ड्रंस होंगे जो क्रैचे सिस्टम में वो छोड़ के जाएंगे, उनके जो बच्चे होंगे चाइल्ड होंगे उनको इम्यूनाइजेशन भी दिया जाएगा, पोलियो ड्रॉप की वैक्सीन दी जाएगी। और भी आगे ये पूरा, वैसे हम जितना भी ये कुरुक्षेत्र में ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, ये पहले भी बहुत सारे हम आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं, तो एम्पावरिंग रूरल वीमेन को एम्पावर करने के लिए वे फॉरवर्ड ऑलरेडी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ये कहाँ आपको मिलेगा, देखिए अक्टूबर 2018, ये पूरा जनरल स्टडीज पेपर 3, ब्रेकिंग द सेकल्स ऑफ फाइनेंशियल डेप्रिवेशन, जो वीमेन है कि वीमेन का रोल इकोनॉमी में क्या होना चाहिए, ये पूरा डिस्कस है। उसके बाद हम और डिस्कस कर चुके हैं एम्पावरिंग द नेशनल विथ वीमेन लेड डेवलपमेंट, जनरल स्टडीज पेपर 3, कि कैसे वीमेन लेड डेवलपमेंट करके भारत का, नेशन का विकास कर सकते हैं। कोई तो होता है ना पोर्ट लेड डेवलपमेंट, पोर्ट को बनाइए, इंफ्रा रोड बनाइए, बट वीमेन को अगर हम शिक्षित करेंगे तो कैसे देश का विकास होगा। अगर आपको ये पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी तरह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़े रहिए। धन्यवाद।